तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग एंड में गए थे और एंडर ड्रैगन को मार के हम लोग एंड सिटी से इलेट्रा लूट के आ गए थे। लेकिन आज मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, तो आज मैं वीडियो ही नहीं बना सकता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी को बताया कि मैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के लिए नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ। तो उसने कहा, नेदर? नेदर में जाओ, स्ट्रक्चर्स को लूटो और एक्सप्लोर करो। ओके, तो हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वीडियो। तो आज मैं जाऊंगा नेदर में, लेकिन नेदर में जाने से पहले मुझे फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेदर इतना बड़ा है और इसमें अगर जंप करके ट्रैवल किया तो सदिया बीत जाएगी। तो मेरे पास इलाइट्रा तो है, जो हम लास्ट वीडियो में लेके आए थे, अगर वो आपने नहीं दिखा तो देख सकते हो। लेकिन उड़ने के लिए रॉकेट्स चाहिए, और रॉकेट्स बनते हैं पेपर और गन पाउडर से। पेपर तो बहुत है, हम सुगरकेन से ले सकते हैं, लेकिन गन पाउडर की कमी है हमारे पास। तो चलो पहले क्रीपर फार्म बनाते हैं। लेकिन क्रीपर फार्म बनाने के लिए मुझे चाहिए था कोबलस्टोन, तो मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया छोटा सा। अभी मेरे पास पूरा चेस्ट भर के कोबलस्टोन है, तो मैं अभी आराम से क्रीपर फार्म बना सकता हूँ। इस क्रीपर फार्म को एक्चुअली बनाना होता है जमीन पे, लेकिन मैं अगर जमीन पे बनाता तो मुझे सारी केव्स को स्पॉन प्रूफ करना पड़ता, जो कि मुझे मंजूर नहीं था, तो मैंने इसको वाटर में बना दिया। बहुत मेहनत लगी है गाइस। तो चलो देखते हैं इस क्रीपर फार्म में 1 घंटा एएफके होने के बाद मेरे पास कितना सारा गन पाउडर आया है। ऑलमोस्ट 4 स्टैक गन पाउडर, ऑलमोस्ट नहीं, 4 स्टैक ही है। अभी मुझे रॉकेट्स की कमी तो नहीं खलने वाली। अभी मैं लाइब्रेरियन से ले लूंगा मेंडिंग, और ये मेंडिंग लगा दूंगा अपने दोनों इलाइट्रा पे, ताकि वो टूटे नहीं। अभी मैंने अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान ले लिया है और मैं हूँ रेडी नेदर में जाने के लिए, लेट्स गो। फिर मैं जैसे ही नेदर में गया, मैंने अपना रॉकेट उड़ा दिया और मैं उड़ते हुए नेदर को एक्सप्लोर करने लगा। मैं ढूंढने लगा कोई वैल्यूएबल चीज जो मुझे दिखे और मैं उसको इकट्ठा कर सकूं। फिर मुझे दिखे ये ग्लो स्टोन्स, तो मैं ग्लो स्टोन्स को इकट्ठा करने लग गया। फिर थोड़े क्वार्ट्ज इकट्ठा किए, और फिर फॉसिल दिखा तो मैं बोन ब्लॉक भी लेने आ गया। बाय द वे, ये बोन ब्लॉक्स की साउंड बहुत सेटिस्फाइंग है, लाइक तुम खुद सुन के देखो। छोड़ो बोन्स को, बोन मिली तो मिलेंगे। हाँ बेस्टियन, चलो बेस्टियन चलते हैं। ओ माय गॉड, मैं जल्दी से अपने गोल्डन शूज पहन लेता हूँ। ओ ये मार ही डालते मेरे को ब्रो। अभी ये चेस्ट को ऐसे खोलना है कि कोई मेरे को देखे नहीं। मैं नेदरक लगा के कुछ कर सकता हूँ। ये पैक कर दिया, अभी मेरे को कोई नहीं देख सकता। क्राइंग ऑब्सीडियन, गोल्डन एप्पल ठीक है, नगेट्स भी ठीक है, और मैंने सेम तरीके से ये गोल्ड ब्लॉक भी ले लिया। ओ माय गॉड, अरे मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, निकल निकल, हट 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 साले, हट हट हटना। अरे अरे वो एक काट पाँच 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 गोल्डन एप्पल खा लो। बच गया। हाँ मेरी तो सांस फूल गई थी। फिर मैंने कुछ ना कुछ किया उधर और सबको भगाया, और थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए। तब मैंने ठीक से देखा जाका। भागो भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, निकलो 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 निकलो। मैं कैसे भी करके वहां से बाहर आ गया, और मैं अभी गोल्डन नगेट्स ले रहा हूँ। गोल्डन नगेट से मुझे याद आया कि मैं शल्कर क्राफ्ट का गोल्ड फार्म बना सकता हूँ, सिंपलेस्ट है। जॉम्बी फाइट पिगलिन को मारो और भागो इसे, और वो लोग तुम्हें पकड़ते हुए इधर आएंगे, और कुछ ऐसा कॉन्ट्रैप्शन बना दो कि वो सीधा गिरे तो आए, नीचे गिरे आते ही सीधा नीचे, तो ऐसे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे। फिर जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाए, तो साइड में से ऐसे तुम अपना कुछ ऐसे स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म बना के उसको मार सकते हो। ये मारा फचाक, मारते जाओ एक्सपी बढ़ाओ, और तुम्हें गोल्डन नगेट्स भी मिल जाएंगे।
फिर मैं वहां से निकला एक और बेस्टियन की ओर। मुझे बेस्टियन ही मिल रहे, फोर्ट्रेस क्यों नहीं। ओ ये भी मेरे को मारने के लिए उतावला हो रहा है। भागो इधर से, निकलो, यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया है। तो मैंने एफ्थ और अपने नेदर पोर्टल की पोजीशन पे जाने लग गया। चलो चलते हैं, घर पहुंच गए। हाश, चलो देखते हैं 2 घंटा नेदर में टाइम पास करने के बाद क्या मिला है। पहले तो ये मैग्मा क्रीम है, फिर है ये सेटिस्फाइंग ब्लॉक्स या बोन ब्लॉक्स है, बहुत सारे बोन ब्लॉक्स है क्योंकि फॉसिल सारे तोड़ ही दिए थे मैंने। और दूसरा मेरे पास है ये क्वार्ट्ज ब्लॉक, क्वार्ट्ज भी बहुत सारा है क्योंकि इलाइट्रा को मेंडिंग लगाया था और रिपेयर करने के लिए बहुत क्वार्ट्ज तोड़ा था। फिर है गोल्डन नगेट्स, वो गोल्डन नगेट्स थोड़े कम है लेकिन ये ब्लैक कलर का गोल्ड है जो बेस्टियन से लूटा था। और सिर्फ यही नहीं है, 10 गोल्ड ब्लॉक्स भी है क्योंकि मैंने वो इनफाइनाइट गोल्ड फार्म बनाया था ना शल्कर क्लफ वाला, इसलिए। और ये ग्लो स्टोन है, ग्लो स्टोन्स भी है बहुत सारे। और मेरे पास वैल्यूएबल में है नेदर स्क्रैप, एक दो नेदर स्क्रैप है एंड नेदराइट। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना।